हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस पिके कार्ड रीडिंग में हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए हमने लिया है, टैरो से पूछा है क्वेश्चन, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, या फिर आपके अच्छे गुड कर्मास की वजह से कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। साथ ही हमने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कैसे कर सकते हो, उन ब्लेसिंग्स के आने से आपके प्रेजेंट पर, आपके फ्यूचर पर क्या असर आएगा। ओके, तो आपके सामने मैंने यहाँ दो पाइल्स रेडी की हैं। पहली जो पाइल है डार्क ब्राउन कलर की पाइल है, जिस पर लिखा है लेवल 5 द 12 स्टार ग्रुप्स, और यहाँ पर हमने रखा है टाइगर आई क्रिस्टल, और यहाँ की इमेज इसके कलर कॉम्बिनेशन से आप चूज़ कर सकते हो। और दूसरा हमने येलो कलर, या फिर ये है एक मैंगो, पता नहीं केसरिया कलर सा कुछ है ऐसे, ये लाइट की वजह से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, इट इज़ अ येलो कलर हियर। तो अग्नि फायर या अग्नि का ये कार्ड है, ट्रांसफॉर्मिंग इस पर लिखा हुआ है और कुछ दूसरे कीवर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, लाइट पिंक कलर का क्रिस्टल है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप क्रिस्टल के अकॉर्डिंग या कार्ड्स के अकॉर्डिंग या कलर्स जो आपको ठीक लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 ब्राउन पाइल, और ये है पाइल नंबर 2 येलो पाइल। फर्स्ट पाइल को हम शुरू करेंगे, पाइल नंबर 1 के साथ हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि टाइगर आई आपने चूज़ किया है और ब्राउन कलर का कार्ड भी आपने चूज़ किया, लगभग सेम एनर्जी है ब्राउन कलर के साथ में, ये मैच कर रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि टाइगर आई जो होता है ये कॉन्फिडेंस से रिलेटेड क्रिस्टल होता है। मोस्ट पॉसिबली अभी हमने कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मे बी क्वाइट पॉसिबल है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए किसी तरह की एनर्जीज अगर इन कार्ड्स में निकल कर आएँ तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, और कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं, वर्गो कार्ड है यहाँ, रूलर मरकरी लिखा है इस पर, अभी मैं इसको और डिटेल में पढ़ती हूँ। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, वी हैव पलाश एथेना। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, वी हैव बुद्धा, वाओ। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, लेमूरियन हीलिंग कार्ड है आपके लिए। What blessings are coming towards you? Third ray of creative intelligence. Beautiful card for you, pile number 1. And we have tarot. Wow! तो अभी इसका इन कार्ड्स पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हम देखेंगे कि ये डिटेल्स क्या हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। पहले हम देखते हैं इस कार्ड को, वर्गो कन्या राशि का ये कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कन्या राशि को बिलोंग करते हो, तो ये स्पेसिफिक रीडिंग आपके लिए है, या फिर किसी न किसी तरीके से आप कन्या राशि के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपके संसार, आपके जो चार्ट है, आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उसमें कहीं ना कहीं मेजर पोजिशन पर कन्या राशि हो सकती है, जैसे कि आपका सन साइन, मून साइन, आपका लग्न या आपका वीनस पर कन्या राशि हो सकती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मरकरी लिखी हुई, तो मंगल ग्रह का प्रभाव आपको हो सकता है, या मंगल ग्रह का विशेष ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, हनुमान जी की हम कह सकते हैं कि विशेष ब्लेसिंग्स इस समय में आपको मिलने वाली हैं। ओके, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर हम इनको देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सेल्फ क्रिटिकल, मेथोडोलॉजिकल, क्लीन, डिस्क्रिमिनेटिंग, एनालिटिकल, डोमेस्टिक, शाय, प्रूडेंट, डेक्स्ट्रस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप स्वयं की एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, घर में रहकर दूसरे लोगों से थोड़े समय के लिए कट कर, क्योंकि कन्या राशि का नेचर होता है शाय एंड डोमेस्टिक, उनका नेचर होता है, तो कन्या राशि के लोगों की तरह ही
लोगों से डिसकनेक्ट होकर, लोगों से कट कर आप सेल्फ एनालिसिस के लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा मेडिटेशंस के लिए समय निकालें, और उस सेल्फ हीलिंग की वजह से, उस सेल्फ एनालिसिस की वजह से और स्वयं के क्रिटिकल एनालिसिस की वजह से शायद आपको अपनी कुछ कमजोरियों का पता चले या आपको अपने कुछ ड्रॉबैक्स का पता चले और आप उन ड्रॉबैक्स को ठीक करने के ऊपर वर्क करो और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें कि आप अकेले में बिताओ अपना समय, थोड़े समय के लिए अकेले में बिताओ, आपको खुद के लिए टाइम मिले, आपको अपना घर परिवार संभालने के लिए टाइम मिले, आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए टाइम मिले, या फिर आपको हीलिंग मेथोडोलॉजीज़ को सीखने का मौका मिले, हीलिंग मॉडेलिटीज़ को समझने का आपको मौका मिले, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि आप अपने जो एलिमेंट्स हैं, वात पित्त कफ, जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनको बैलेंस करने का आपको इस समय में अवसर मिले, ऐसा भी मुझे लगता है। आप में से कुछ लोग योग, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि साधनाओं में संलग्न हों और उनकी वजह से आपको स्पिरिचुअल लाभ मिले, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने की संभावना मुझे यहाँ पर लगती हैं। द 12 स्टार ग्रुप्स यहाँ लिखा हुआ है और लेवल 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग सम काइंड ऑफ हीलिंग्स, आप काफ़ी समय से कुछ हीलिंग वर्क कर रहे होंगे और यू बेसिकली यू नो व्हाट इज़ हीलिंग वर्क एंड हाउ टू हील योर सेल्फ एंड हाउ टू डू सेल्फ एनालिसिस, ये चीज़ें आपको पता है। बट मे बी बिजी होने की वजह से आपको समय नहीं मिल पा रहा हो, या बहुत सारी चीज़ें जो आपने बहुत दिनों से सोच रखी हो कि मैं योगा करना स्टार्ट करूँ या मैं ध्यान करना स्टार्ट करूँ, लेकिन कैसे करूँ इसका प्रॉपर आपको तरीका ना मिल रहा हो, लेकिन आपकी आने वाले समय में जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं उसमें आपको इन सब चीज़ों को करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट आपका कार्ड है एथीना कार्ड है, 48 नंबर का कार्ड है और इस पर लिखा हुआ है पलास एथीना इज नोन एज द गॉडेस ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। जैसा मैंने आपको कहा कि अपने बारे में जानने समझने का, खुद को जानने समझने का आपको मौका मिले, तो एथीना जो गॉडेस है वो आपकी इसमें मदद कर सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस समय पर मिल सकती हैं। शी इज लॉर्ड ऑफ कर्मा ऑफ द 4th रे एंड होल्ड्स द सॉर्ड टू ट्रूथ शो ह्यूमैनिटी द वे। डेफिनेटली जैसा मैंने आपको कहा कि वो कार्मिक हीलिंग के लिए गॉडेस एथीना इस समय में आपको वे प्रोवाइड कर सकती हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। आगे लिखा है ऑल दो शी वील्स हर सॉर्ड फॉर द हाइएस्ट आइडल एंड डिवाइन ट्रूथ, शी प्रिफर्स टू यूज विजडम टू सेटल डिस्प्यूट्स। यस डेफिनेटली, हालांकि जो एथीना है वो काफ़ी ब्रूटल तरीके से ट्रूथ को रिवील करती हैं, लेकिन यहाँ आपके मामले में मुझे लगता है कि काफ़ी सेटल तरीके से, काफ़ी शांत तरीके से आपके पर्सनल जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में लॉर्ड एथीना या गॉडेस एथीना आपकी मदद करें, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करें कि आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स शांतिपूर्वक तरीके से हल हो जाएं, इस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने की संभावना है। योर गाइडेंस इज टू फॉलो हर एग्जाम्पल, सी द हायर परस्पेक्टिव इन ऑल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ड्रॉ ऑन योर अबंडेंस ऑफ विजडम एंड टैक्ट टू कम्युनिकेट विद एवरीवन कंसर्न एंड यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू पॉइंट द डिवाइन वे फॉरवर्ड। तो सत्य के सहारे पर और अपने सच बोलकर, एक सत्य कम्युनिकेशन, एक ट्रूथ के साथ में अपनी बात को कहकर, बहुत सटीक तरीके से अपनी बात को कहकर, और जिन लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मानिए कि वो लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, वो लोग आपके कार्मिक नहीं हैं, बल्कि वो आपको इस समय पे आपकी लाइफ में जो लेसन सिखाने के लिए आए हैं, उन लेसन्स को सीख कर उन लोगों को बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, समझदारी के साथ उन के साथ डील करना और उनको अपनी लाइफ से कैसे कट ऑफ करके अपना जो आगे का वे है उसको साफ कर लेना, इस तरह का कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगा, इस तरह का आपको कोई तरीका मिलेगा। जिन लोगों से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे कट ऑफ करके निकाला जाए, कैसे अपने आप को इनसे बचा के रखा जाए, तो आपको आपके आने वाले समय में ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे इन लोगों से निपटा जाए, कैसे शांति से बिना लड़ाई झगड़े के ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट किया जाए, ये तरीका आपको मिलेगा एज अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गॉडेस एथीना। ठीक है, और आप अपने सच को बयान करेंगे सत्यता के साथ में और फर्म एफर्मिटी के साथ में, और फर्म रहकर आप अपनी बात को कहेंगे और आपकी बात को ऐसे लोग समझेंगे और आपका रास्ता छोड़ देंगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर फील होता है। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया, बुद्धा कार्ड आया है,
When you draw this card, Lord Gautam, who become the Buddha, is calling you to live in a state of peace, compassion and enlightenment. Definitely, Gautam Buddha ने जिस तरीके से अपना, मैंने जैसे कहा कि सेल्फ एनालिसिस के द्वारा खुद को चेंज किया, वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, उसी तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमें यहाँ दिख रही है. लॉर्ड गौतम बुद्धा का किसी न किसी तरह का आपको ब्लेसिंग मिल सकता है. उनकी मेडिटेशन टेक्निक, उनके दिए हुए कोई ज्ञान, उनका दिया हुआ कोई अच्छा रिटर्न टेक्स्ट, ये आपको चेंज कर सकता है, आपके मन में शांति की स्थापना कर सकता है, आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है. यू आर रेडी टू एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस टू इंक्लूड ऑल दैट इज एंड टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम ए हायर परस्पेक्टिव. डेफिनेटली, जैसा कि इस फर्स्ट कार्ड में भी आपको आया था कि आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को कार्मिक ना देखकर उनको हायर परस्पेक्टिव से देखने लगेंगे. उनका आपकी ज़िंदगी में क्या यूज़ है, हर चीज़ को हायर परस्पेक्टिव से आप देखने समझने लगें, ऐसी विजडम भगवान गौतम बुद्ध की तरफ से ब्लेसिंग के रूप में आपको आने वाले समय में दी जाने वाली. व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी. You are asked to live in total harmlessness with all things. आप लोगों को harmless तरीके से, क्योंकि आप स्वयं को पहचानने के बाद इंसान शांत हो जाता है, peaceful हो जाता है, compassionate हो जाता है, तो आप लोगों के लिए harmless हो जाएंगे, आपकी energy harmless हो जाएगी, आप forgive करेंगे और पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ेंगे. और जब आपकी energy एक peaceful harmless energy होती है, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपके साथ वैसे ही harmless peaceful तरीके से react करने लगती है. This creates safety for you, for all creatures with love you and feel safe with you. Definitely, एक बहुत ही serene environment, एक safe environment आप अपने लिए create करने वाले. Lord Buddha आपके लिए एक बहुत ही peaceful life की blessing आपके लिए लेकर आए हैं. Your guidance is to remember we are all one and to treat each person, element and sentient being as if they are beloved part of you. और आप एक higher perspective से दुनिया को देखने लगोगे, आपको सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे, सभी आपको लगेगा कि सभी मेरे ही पार्ट्स हैं, और इस तरीके से आप एक बहुत काइंड और कंपैशनेट तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बिता सकोगे, ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. तो इतनी खूबसूरत अगर आपकी लाइफ हो जाए तो और क्या चाहिए. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर वन आपके लिए. नेक्स्ट जो आपके लिए निकल कर आया, लेमूरियन हीलिंग. तो लेमूरियन जो हमारे हायर डायमेंशनल बींग्स हैं, जिनसे बहुत सारे दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स पर भी इस तरह के बींग्स होते हैं जो लेमूरियन ओरिजिन होता है, जिनका अगर आप इनके बारे में थोड़ा जानते हो, लेमूरियंस आर फिफ्थ डायमेंशनल एंड्रोगाइनस बींग्स हु लव्ड एंड वॉन्टेड टू हील अर्थ. ये ऐसे लोग हैं जो हायर डायमेंशनल है, फिफ्थ डायमेंशनल हैं, और ये अर्थ पर हीलिंग एनर्जीज भेजते रहते हैं. तो इस समय में लेमूरियंस की हाई डायमेंशनल, फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है. दे ड्रू द लव ऑफ गॉड थ्रू द कॉस्मिक हार्ट इन टू दिस प्लैनेट. और आपको जो लेमूरियंस के जो एफर्ट्स हैं, उसका आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं. वो जिस तरीके से लव एनर्जी को ड्रॉ करते हैं, प्लैनेट अर्थ पर भेजते हैं, उस लविंग काइंडनेस, डेफिनेटली देखो आपके लिए बुद्धा कार्ड भी वही कह रहा है, कंपैशनेट काइंड लविंग एनर्जी. तो यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि एक काइंड कंपैशनेट एनर्जी से आप सराबोर रहेंगे, लेमूरियंस आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाले. लेमूरियंस गैदर द डिवाइन क्वालिटीज़ फ्रॉम आवर एनर्जी फील्ड एंड दैट ऑफ आवर स्टार्स, एडिंग दिस टू प्योर सोर्स लाइट इन ऑर्डर टू फॉर्म हीलिंग क्रिस्टल्स टू हेल्प अस थ्रू द ट्रांजिशन टू द न्यू गोल्डन एज. देखिए, पहले आपके लिए क्या कहा गया, एक स्टोरी जैसी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है. पहले आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करने के बाद में आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उस बिहेव को करना आप शुरू करें. जिन लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करना, उनको आप कट आउट करें, और उसके बाद अपने आप के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ एक पीसफुल एनर्जी आप क्रिएट करें, और आपकी पीस लेमूरियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, और वो और डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन लाइट आपके हार्ट में पोर करें, और जिसकी वजह से आप एक हीलिंग एनर्जी से सराबोर हो जाएं. और किस तरीके से पहले आप अपनी हीलिंग के लिए स्टेप्स लेते हैं, किस तरह आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, और जब आप अपनी मदद करने को तैयार होते हैं, तो धीरे धीरे जो हायर बींग्स होते हैं वो भी
आपकी तरफ ड्रू होते हैं, आप खींचे चले आते हैं और आपकी मदद करते हैं आपको और अधिक हायर एनर्जी में ले जाने के लिए। तो पहले आप अपनी हेल्प के लिए तैयार हो जाइए, आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए और आपको लगातार हायर कॉन्शियस बींग्स की मदद मिलती जाएगी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यही ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही, मुझे ऐसा लगता है। देखिए थर्ड डे ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वुंडेड या हम कह सकते हैं बहुत ही परेशान सा फिगर हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और यहाँ पर एक फिगर निकल रहा है इसमें से जो कि काफ़ी हायर वाइब्रेशनल है। तो आपके लोअर सेल्फ, आपके लोअर सेल्फ में से ही आपका हायर सेल्फ कनेक्ट हो जाए, या आपकी जो कमजोरियाँ हैं, आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं, आपकी जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो और आप एक हायर एनर्जी हायर वाइब्रेशन बींग में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हायर डायमेंशनल बींग्स के ब्लेसिंग्स की वजह से, गॉडेस एथीना की ब्लेसिंग की वजह से, गॉड बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स की वजह से और फिफ्थ डायमेंशनल लेमुनियर एनर्जी की वजह से आप अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हों और अपनी वीकनेसेस को छोड़कर, अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर एक हायर सेल्फ में आप कन्वर्ट हों, ऐसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है। एंड देखिए आपके लिए टैरो भी निकल कर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हो सकती हैं, या तो जब आप खुद पूरी तरह से हील हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं और आप हायर एनर्जी बीइंग से कनेक्ट हो जाएं, आप डायरेक्ट अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद आप खुद एक टैरो रीडर बन सकते हैं, आप लोगों को टैरो, क्योंकि आप खुद काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो जाएं और आप डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड फील करें अपने आप को, तब आप दूसरे लोगों को टैरो के द्वारा आप गाइड कर सकते हैं। या तो इस पूरी एनर्जी में आपको कैसे आना या ये हीलिंग आपको कैसे करनी है, इसके लिए यू नीड अ पर्टिकुलर मे बी पर्सनल टैरो गाइडेंस। तो आप अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जहां आपको ये पता चले कि व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस और उन ब्लॉकेजेस के थ्रू कैसे काम करना है, और उन पर काम करने के बाद में जब आप अपने ऊपर वर्क करने लगे तो ऑटोमेटिकली आगे से आपको हेल्प मिलती जाए और अल्टीमेटली यू बिकम योर हायर सेल्फ, और हायर सेल्फ बनने के बाद में फिर आप खुद भी एक टैरो रीडर, एक टैरो गाइडेंस गाइड की तरह आप काम कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन में टैरो का काफ़ी योगदान रहा है या रह सकता है या होगा, इस तरह का मुझे आपके लिए कुछ समझ में आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। और अब मैंने क्वेश्चन किया था कि इन ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी आपकी प्रेजेंट लाइफ पर कैसे चेंज आने वाला है। हमारे पास जो कार्ड आया है, इमेजिन कार्ड आया है आपके लिए, रिन्यूअल कार्ड आया है, नो सरप्राइज, एंड हमारे पास आपके लिए बिटर स्वीट कार्ड आया है। वाओ, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे कि वो मैं आपको खैर बाद में बताऊंगी। तो आपके प्रेजेंट में क्या चेंज आने वाले हैं, अगर ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो, ठीक तरीके से इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हो, तो क्या चेंजेस आपके अंदर आएंगे। पहला आपके लिए कार्ड आया इमेजिन कार्ड आया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आज आप जिस भी कंडीशन से गुजर रहे हो, चाहे वो कितनी भी बैड कंडीशन है, आज अगर आप इस एनर्जी में, आप अपने आप को इस एनर्जी में इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले में बहुत ही खूबसूरत, जैसी ड्रीम लाइफ आपने सोची, जैसी लाइफ आपने कभी इमेजिन की थी, वैसी लाइफ के पोर्टल में आप एंटर कर जाओगे। बिल्कुल एक नए एनर्जी, आप देख रहे हैं कैसे ये एनर्जी पोर्टल से एंटर करा और हायर कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, स्पिरिट से, गाइड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अभी आप भले ही अपने आप को कितना डिस्कनेक्टेड फील करते हो, या अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितने हाई वाइब्रेशन में पहुंच सकते हो, लेकिन आपके लिए एक एनर्जी पोर्टल खुलेगा, आपके लिए एक रास्ता खुलेगा जिसमें से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे अपने हायर सेल्फ के साथ, सोर्स के साथ और हायर बींग्स के साथ। रिन्यूअल वर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यू विल बी, देखिए यहाँ भी अगेन वही बात हो रही है कि बहुत सारा डिवाइन नॉलेज और डिवाइन गाइडेंस की डाउनलोड हो रही है इस लेडी को। ये पुराने अपने जो भी इसका पुराना लाइफ था उससे बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बिटर स्वीट कार्ड भी है, जैसा मैंने कहा कि आप दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए रेडी हो जाओगे, जो दूसरे लोग इसी तरह की मिजरी में से गुजर रहे हैं वो आप उनको ये बताने के लिए रेडी हो जाओगे कि कड़वाहट के अंदर से ही किस तरह से मिठास ढूंढी जा सकती है, बुरी से बुरी लाइफ पैटर्न के अंदर भी कैसे खूबसूरती आप ढूंढ सकते हो, कैसे आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात आपको खुद समझ में आएगी और आप फ्यूचर में इस बात
को लोगों को समझाने के लिए रेडी हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। यू विल बी इस डव की तरह होगे, एक शांति दूत की तरह, एक शांति शांति दूत की तरह आप दूसरे लोगों को जो मिजरी में है, जो दुख में है, उनको खुशियाँ बांटने का काम आप करने लगोगे जब आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। और मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है टैरो से कि आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, आपको इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है और यही कार्ड लॉर्ड एथीना, जो गॉडेस एथीना का कार्ड था वो भी है, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ था कि मैं अपनी स्वॉर्ड से अपने ट्रुथ को बयान करती हूँ। सी, आपको लॉर्ड एथीना की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, आपको लॉर्ड एथीना को प्रेयर करना होगा कि वो आपको पावर दें कि आप अपने ट्रुथ को अच्छी तरह से बोल सकें। जिन लोगों को जहाँ से आपको अपने आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आप उस एनर्जी को खुद के लिए प्रोटेक्ट कर सकें, आप अपने लिए बोलना सीख सकें, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉर्ड एथीना की जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग्स है, वो आपको मिलने लगेंगी। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो एनर्जी होती है ये नॉलेज की भी एनर्जी होती है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। कौन सी नॉलेज बढ़ानी है? स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में जानने को ही अध्यात्म कहा जाता है। अपने आप को जानिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और अपने आप पर ही वर्क करना आप शुरू कर दीजिए। और अपने आप पर वर्क करने के लिए आपको जिन जिन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों पर से अपना ध्यान हटाकर खुद पर अपना ध्यान लेकर आइए कि मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना है। ऑटोमेटिकली आपको हायर बींग्स की हेल्प मिलने लगेगी और आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। नेक्स्ट मेरा सवाल था कि जब आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी, आपका फ्यूचर इससे कैसे इफेक्ट होने वाला है। हमारे पास कार्ड है द शीप कार्ड, हमारे पास द फॉक्स कार्ड है आपके लिए, और द मून कार्ड है आपके लिए, एंड वी हैव क्वीन ऑफ एरियल कार्ड। अगेन वही बात है, देखिए इस पर लिखा है जब आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेंगे तो क्या होगा, यू विल चेंज योर टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। कैसे आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी? अगर आज आपकी जो कंडीशन है, इस कंडीशन से अगर आप प्रेयर्स करना शुरू नहीं करते हैं, अगर आप हीलिंग्स करना शुरू नहीं करते हैं, और आप जो ब्लेसिंग्स को डिजर्व करते हैं हायर बींग्स की तरफ से, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना शुरू नहीं करते हैं, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन कि आप किसी न किसी तरह की बैड टाइमलाइन की तरफ जाएंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ये एक्चुअली, जो कि आपको एक बैड एंडिंग की तरफ ले जा रहा है। जो आपकी आज की कंडीशन है, जो आपका अनहील्ड लॉर्ड सेल्फ है, है ना, जो आपका अनहील्ड लॉर्ड सेल्फ है, जो हमने देखा था उस कार्ड के अंदर, इस कार्ड में, जिसमें कि आप अपने ही दुख से दुखी हो, आपको कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, आपको कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई आशा नज़र नहीं आ रही, इस एनर्जी से अगर आप निकलने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए रेडी है आपके हायर सेल्फ, आपके गाइड्स, लेकिन यदि आप सर झुकाकर नहीं उठते हो, प्रेयर करने के लिए अपने आप को रेडी नहीं करते हो, हीलिंग के लिए अपने आप को रेडी नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक बैड एंडिंग की तरफ आपका जो टाइमलाइन जाने वाला था। द फॉक्स, फॉक्सी पीपल, कनिंग पीपल, बदमाश लोग जो आपको चीट कर सकते हैं, और द मून एनर्जी अगेन, सीक्रेट्स, लाइज, ठीक है, बहुत सारी, ये एट ऑफ कप्स कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह की एनर्जी की तरफ जो आप जा सकते थे, लेकिन जब आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लोगे तो आप टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और आप क्वीन ऑफ एरियल इस टाइमलाइन में चले जाएंगे। यानी आप मैच्योर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, जेनरस होंगे और अभी से कहीं ज़्यादा हैप्पी आप होंगे। और जब अपने फ्यूचर में आप इन ब्लेसिंग्स के साथ पहुंचेंगे, इन हीलिंग एनर्जीज के साथ पहुंचेंगे, तो यहाँ लिखा है नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, आप बहुत लविंग और केयरिंग होंगे, लेकिन आप उन सेलेक्टेड लोगों की तरफ लविंग और केयरिंग होंगे जो आपके लिए बेहतर है, पॉजिटिव है, और आप खुद को भी प्यार करेंगे, खुद को भी नर्चर करेंगे। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, और आपके अंदर वो पावर होगी कि आप जिस चीज़ के साथ जुड़ जाएंगे उस चीज़ को और खूबसूरत बना लेंगे। जिन लोगों के साथ आप जुड़ेंगे उनकी ज़िंदगी को भी आप खूबसूरत बना देंगे, प्रैक्टिकल वाइज एडवाइस, और आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वाइज पर्सन होंगे जो दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी एडवाइस देने का काम करेंगे। तो आप इन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए रेडी हो जाइए, अपनी नेगेटिविटी को, अपने निराशा को बिल्कुल त्याग दीजिए, प्रेयर्स के लिए और हीलिंग्स के लिए रेडी हो जाइए, और आप अपने हायर सेल्फ, अपने हायर वर्जन में
जल्दी ही इन ब्लेसिंग्स के द्वारा आप पहुंच जाएंगे। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज या फिर जिन्होंने चूज किया है इस येलो कार्ड को, तो आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स चेक योर कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए फायर ट्रांसफॉर्मिंग अग्नि कार्ड है। फायर जैसी एनर्जी आपकी होने वाली है, या तो फिर येलो कलर के चक्रा यानी मणिपुर चक्रा, सूर्य चक्रा पर आपको किसी न किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। एक फायरी एनर्जी, एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी, एक बहुत ही रेनाउंड पर्सनैलिटी में आप ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लगता है। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू एनिमल्स। वाओ, लगता है कि कुछ एनिमल्स की ओर से, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स की ओर से, या एनिमल्स पर वर्क करने की वजह से आपको कोई ना कोई हीलिंग मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। 12 चक्रास, तो आपके चक्रों के ऊपर, आपके जो चक्रा सिस्टम है उसके ऊपर आपको किसी तरह की, यहाँ दिख भी रहा है मुझे सोलर प्लेक्सस, थ्रोट, थर्ड आई, तो 7 चक्रास पर आपको किसी तरह की हीलिंग मिलने वाली है। एक मिनट, यस, मैंने इस कार्ड के पीछे भी देखा, देखिए यहाँ भी चक्र बने हुए हैं। स्पिरिचुअल स्पिरिट बिकमिंग मैटर, वाओ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके आपके ऑरा सिस्टम, आपके चक्रा सिस्टम बैलेंस में आ रहे हैं, आपके चक्रा ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, आपका एनर्जी सिस्टम बैलेंस में आ रहा है, आप एक हायर वाइब्रेशनल बीइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपका आपका आभा मंडल, आपका जो ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, आप एक हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग में, एक इफेक्टिव, एक बहुत ही प्रभावशाली ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। चलिए अभी हम इन कार्ड्स को और डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। What energies are coming towards you? Thought card है। Thought is a ये ancient civilizations के god हैं thought। तो thought की तरफ से, lord thought की तरफ से आपको blessings provide करी जाएं, ऐसा मुझे लगता है। Fourth ray of harmony, see यहाँ पर भी हमको सोलर प्लेक्सिस चक्रा ही ओपन, क्योंकि ये जो कार्ड है येलो कलर का कार्ड है, सोलर प्लेक्सिस का कार्ड है, यहाँ भी येलो कलर का दरवाज़ा खुल रहा है। सोलर प्लेक्सिस पर बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट हीलिंग। सोलर प्लेक्सिस का मतलब होता है मटीरियल लाइफ, मटीरियल सक्सेस, ठीक है, नाम सम्मान, नेम फेम और मनी मिलने वाला है आपको, ऐसा मुझे लगता है। यस डेफिनेटली, आपकी पहचान बढ़े, समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, और आपको मटीरियल मटीरियल गेन आपको हो, मटीरियल फायदा आपको हो, ब्लेसिंग्स आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। What blessings are coming towards you? Color, yes, देखिए आपके लिए बार बार color शब्द, मैंने आपको यहाँ पे भी कहा कि यार different color के जो चक्रास होते हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि चक्रों के विभिन्न प्रकार के color होते हैं, तो आपको colors के द्वारा therapy मिले और आपके कलर सिस्टम यानी आपके चक्रा सिस्टम पर आपको हीलिंग मिले, और आपके चक्रों के बैलेंस में होने की वजह से आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ में, यानी कि आपके इंडिविजुअली एज अ पर्सन आप चेंज हो, और आपके एज अ पर्सन चेंज होने की वजह से सोसाइटी में आपका नेम फेम और मनी बढ़े, ऐसी कोई ना कोई एनर्जी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में इस पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि काफ़ी सारी अच्छी हीलिंग वर्ड्स हमको भी यहाँ समझ में आने वाले हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आने वाली है। एक एक कार्ड को हम देखेंगे। फायर अग्नि, मोस्ट पॉसिबली आप लोग किसी न किसी तरह का एनर्जी वर्क करें या करने के लिए आपको गाइडेंस मिले, और एनर्जी में चेंज के द्वारा जिंदगी में चेंज आए, पर्सनैलिटी में चेंज आए, इस तरह का कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है, इस तरह का कोई गाइडेंस आपकी तरफ आने वाला है। आप अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विशेष फोकस्ड हो जाएं, अपने एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए विशेष प्रकार की साधनाएं करें या प्रयास करें। वैसे ये एनर्जी लगभग पाइल नंबर 1 के जैसी ही, अगर ये आप ये एनर्जी अगर आपको रेजोनेट करिए तो पाइल नंबर 1 भी देखिएगा, वो एनर्जी भी आपको रेजोनेट करेगी। तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इंटेंस, यहाँ लिखा है कि इंटेंस, कंसंट्रेटेड, हॉट, फोकस्ड, क्लियर, बर्निंग, इल्यूमिनेटिंग, पेनिट्रेटिंग, डाइजेस्टिंग, एज आई टोल्ड यू, बहुत इंटेंस प्रयास आप करें अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने
अपने एनर्जी सिस्टम्स को चेंज करने के लिए, और इस वजह से आपका फोकस बढ़े, आपको मेंटल क्लैरिटी मिले, आपको ये पता चले कि हु एम आई, मैं किस लिए हूँ, कहाँ कैसे आया हूँ। आपका जो खाने पीने का डाइजेस्टिंग वर्ड भी है यहाँ पर आया है, तो आपका खान पीन में सुधार हो, मे बी आप कुछ किसी हेल्दी फूड आप लेने लगें, ऐसा फूड जो हाई एनर्जेटिक फूड हो, प्योर फूड आप लेने लगें। मोस्ट पॉसिबली शायद आप अपनी डाइट में से एनिमल फूड जो आप लेते हैं उसको कट करें, आप प्योर वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं, आप ऐसी डाइट को अपनाएं जो कि आपको आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करने का काम करती हो। इसकी मुझे बहुत संभावना लगती है। ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें आप, ऐसा भी मुझे आपके लिए लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एनिमल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। मे बी आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के वेलबींग के लिए आपने कोई एक्ट किया हो, कोई चैरिटी में, कोई एनजीओ में आपने वर्क किया हो, या किसी एनिमल को आपने किसी तरह की हेल्प पहुंचाई हो। और जैसा कि मैंने बोला कि शायद आपने नॉन वेज खाना खाना छोड़ दिया हो, ये भी एक तरह से बहुत अच्छी अहिंसा का एक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अहिंसात्मक रवैया अपनाया है, या फिर अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल किया है, अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को आपने कंट्रोल किया है। एनिमल इंस्टिंक्ट मतलब अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक सेक्सुअल इंटरेक्शंस करना, या फिर एंगर, या फिर बहुत ज़्यादा और बहुत एग्रेसिव रिस्पॉन्स देना, इस तरह की चीज़ों पर आप धीरे धीरे अपने काबू पाया है, और अपनी एनर्जी को आप सही जगह लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि ये हायर पावर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज ऐसे ही नहीं आ जाती, उसको उसको अर्न करना पड़ता है। अगर हमको जब तक किसी हायर पावर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, तब तक ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं हो सकते हैं। तो आपको ब्लेसिंग के तौर पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड दिया गया है। एनिमल्स इस कार्ड पर लिखा हुआ है, आई ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑल एनिमल्स। यहाँ पर आपको गाइडेंस भी है कि आप एनिमल्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा नर्म रवैया अपनाएं, उनके प्रति अहिंसात्मक रवैया अपनाएंगे तो भी ब्लेसिंग्स आपकी दिशा में आएंगी। अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को आप कंट्रोल में रखेंगे, अपने गुस्से को और इस तरह की सारी नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़ा करना, जोर से बोलना, ज़्यादा आलस करना, सोना, ज़्यादा खाना, इस तरह की जो भी नॉन वाइज नॉन सेंस एक्टिविटीज़ होती है उनको आप कंट्रोल में करेंगे तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। ये गाइडेंस भी है, या फिर आपने ऑलरेडी ऐसा किया है इसलिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस समय में। इस पर लिखा है, लाइक ह्यूमंस एनिमल्स हैव कम टू अर्थ ऑन देयर ओन सोल जर्नी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेनी प्लेनेट्स एंड यूनिवर्सेस, सम एनिमल्स आर हियर टू लर्न वाइल अदर्स आर हियर सोलेली टू टीच और एनलाइटन अस, बिकॉज दे आर हार्ट सेंटर्ड एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट आर डिजाइन टू हैव एक्सपीरियंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, द वे इन विच वी ट्रीट एनिमल्स प्रोफाउंडली अफेक्ट द असेंशन पाथ एज वेल एज आवर ओन। यस, जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपनी इस असेंशन जर्नी पर जितना ज़्यादा जानवरों के साथ अहिंसात्मक और प्रेम पूर्वक रवैया अपनाएंगे, आपको उतना ही अधिक ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आप उतना ही अधिक अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, असेंशन में आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। ऐसा मुझे आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज, और स्पेसिफिकली ये मैसेज जो है वो नॉन वेज कंज्यूम करने वाले लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। यदि आप नॉन वेज फूड खाते हैं, यदि आपके फूड की वजह से एनिमल्स हर्ट होते हैं, तो आपको ये एक्ट तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं। इस पर यह भी लिखा है, योर गाइडेंस टुडे इज टू कॉल इन आर्कएंजल फेलाई एंजल ऑफ एनिमल्स टू लुक आफ्टर देम, आर्कएंजल माइकल टू प्रोटेक्ट देम, एंड यूनिकॉर्न्स टू एनलाइटन देम। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर एनिमल वेलफेयर, फॉर एनिमल वेलबींग। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी जो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और आपके असेंशन के लिए और आपके एनर्जी बैलेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 12 चक्रा कार्ड है, फॉलोइंग द फॉल ऑफ एटलांटिस, फाइव ऑफ आवर 12 चक्रास क्लोज्ड, असेंशन स्टार्ट्स व्हेन वी, यस डेफिनेटली। देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपका जो सारा ये ब्लेसिंग्स है ये चक्रा से रिलेटेड, यहाँ भी पांच चक्र बनाए गए हैं देखिए, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि हमारे जो पुराने एनर्जी सिस्टम था जिसमें 12 चक्र हुआ करते थे, लेकिन जैसे से ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमैनिटी का पतन होता गया तो हमारे चक्रों की संख्या कम होती गई। 7 चक्र हम लोग इसीलिए कहते हैं, मेनली 7 चक्र ही बचे हैं क्योंकि 5 चक्र हमारे
जो हायर डायमेंशनल चक्र थे वो क्लोज कर दिए गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो साधनाएं कर रहे हैं या फिर जिस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आने वाले समय में आपके ये हायर डायमेंशनल चक्र ओपन होने वाले हैं, ठीक है। असेंशन स्टार्ट्स व्हेन वी वंस मूव एक्टिवेट आवर 12th, 5th डायमेंशनल चक्रास। द दिस बिगिंस टू रिकनेक्ट द 12 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सो दैट वी कैन रिक्लेम आवर ट्रू स्पिरिचुअल एंड साइकिक गिफ्ट। डेफिनेटली यस, आप जिस तरह के इस समय में हीलिंग वर्क को या मेडिटेशन वर्क को करने की आपको ब्लेसिंग मिली है या आपको गाइडेंस मिल रही है, इससे आपके हायर डीएनए एक्टिवेट होगा, आपके हायर डायमेंशनल चक्रास एक्टिवेट होंगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल और साइकिक गिफ्ट एज अ ब्लेसिंग मिलने लगेंगे। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है आपके लिए। तो आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको सिंसियरली कीजिए, आपके स्पिरिचुअल और साइकिक गिफ्ट ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिलने वाले हैं। योर गाइडेंस इज टू आस्क द यूनिकॉर्न टू टच ओपन एंड एक्टिवेट योर अर्थ स्टार बेस सेक्रल नेवल सोलर प्लेक्सस हार्ट थ्रोट थर्ड आई क्राउन कॉजल सोल स्टार एंड स्टीलर गेटवे चक्रास। तो इसमें से 7 चक्रा को हम जानते हैं और बाकी के जो चक्रास के नाम दिए हुए हैं ये आपके हायर डायमेंशनल चक्रास हैं। आप प्रार्थना कीजिए हायर डायमेंशनल बींग से कि आपके इन सभी चक्रास को ओपन किया जाए। देन आस्क द एंजल्स टू सिंग ओवर यू सो दैट योर चक्रास वाइब्रेट एट द 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी। और आप एंजेलिक बींग्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ये सभी चक्रास आपके 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेंगे, जिससे कि आप स्पिरिचुअली और साइकिक रूप से हायर वाइब्रेशनल बींग से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे। ऐसी ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही हैं, ऐसा मुझे आपके लिए क्लियर कट लगता है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए थॉट कार्ड है। थॉट जो है यहाँ लिखा है थॉट अ हाई प्रीस्ट इन द गोल्डन एरा ऑफ अटलांटिस। ये गोल्डन एरा ऑफ अटलांटिस में हाई प्रीस्ट हुआ करते थे। लेड हिज ट्राइब टू साउथ अमेरिका टू बिकम द इंका सिविलाइजेशन। और इनके जो ट्राइब है जो आज साउथ अमेरिका में इंका सिविलाइजेशन की फॉर्म में बसती है, ऐसा माना जाता है। ही थॉट दैट व्हेन एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज इन ट्यून द होल इज ऑटोमेटिकली हारमनी। देखिए यहाँ पर भी थॉट जो हाई प्रीस्ट हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको इसी रूप में आ रही है कि जब आप अपने एनर्जी सिस्टम को ट्यून कर लेते हो तो बाकी की लाइफ ऑटोमेटिकली हार्मनी में आ जाती है। तो इस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने एनर्जी सिस्टम को, अपने चक्रा सिस्टम को अगर आपने कंप्लीटली बैलेंस कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ हार्मनी में आ जाएगी। ये ब्लेसिंग्स हाई प्रीस्ट थॉट की तरफ से आपको दी जा रही है। Your guidance is to bring all parts of your life and your body into alignment so that you enjoy perfect health and happiness. आप अपने चक्रा सिस्टम को बैलेंस में लाने का अगर आप इस समय में काम करेंगे, अलाइनमेंट में लाने का काम करेंगे, तो न सिर्फ आपको परफेक्ट हेल्थ मिलेगी बल्कि एक परफेक्ट हैप्पी लाइफ भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इमेजिन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज पार्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। लेट योर थॉट कंडक्ट एंड मैग्निफिसेंट कंसर्ट फॉर रेडियंट वेलबींग। अट्यून ईच एरिया ऑफ योर लाइफ इन टू अ हायर पर्पज सो दैट योर लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। ये मैनिफेस्टेशन की तरह की एनर्जी, मेरे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डेफिनेटली ये रीडिंग इस समय मैच करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को एक ब्यूटीफुल हार्मनी में लेकर आइए, एक ब्यूटीफुल अट्यूनमेंट में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हायर पर्पस के साथ आप जुड़ेंगे, हायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ आप जुड़ेंगे और आपकी पूरी की पूरी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाएगी। ऐसी ब्लेसिंग्स, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। 4th रे ऑफ हारमोनी, आपकी पूरी जो लाइफ होगी वो एक हारमोनियस लाइफ आपकी बनने वाली है। बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ, बहुत ही शांत, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी आपकी होने वाली है और आपकी ये वाइब्रेंट हाई एनर्जी पूरी दुनिया में फैलने वाली है और आपकी इस हायर एनर्जी की वजह से आप जो चाहें उसको मैनिफेस्ट कर पाएं। क्राउन चक्र एनर्जी की वजह से हायर स्पिरिट बींग्स के साथ कनेक्ट होके और ये आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने की वजह से जो सोचें उसको मैनिफेस्ट करें अपनी अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत पॉसिबल है आपके लिए। और आज ही मैंने आप में से आप लोगों को मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए राम बीज मंत्र का उपयोग सिखाया है, तो अगर आप लोगों ने कुछ लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो उनके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि राम बीज मंत्र के उपयोग से आप अपनी न सिर्फ मटेरियल लाइफ बल्कि स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ही ब्लेसिंग्स पा सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज अपनी मटेरियल ग्रोथ को हार्मोनाइज कर सकते हैं अगर आप इन बीज मंत्रों के उपयोग के द्वारा अपने हायर डायमेंशनल चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 2 के लिए और हम देखते हैं कि
आपके प्रेजेंट में क्या चेंज आएगा जब आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, तब आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी सेम मणिपुर चक्र के ऊपर ही कंसंट्रेट किया गया है लाइक दिस। सी ये सारी जो बात हो रही है ये राम बीज मंत्र के बारे में हो रही है जो हम आज डिस्कस कर रहे थे हमारे क्लास में। एंड डेफिनेटली आपका जो यहाँ भी हार्ट चक्रा की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है, और ट्रेजर आइलैंड कार्ड आया है आपके लिए, वाह क्या बात है। जब आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेंगे, यानी जब आप अपने एनर्जी सिस्टम को एकदम से अलाइन कर लेंगे, हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में लेकर आ जाएंगे, तो आपके लिए ट्रेजर खजाने खुल जाएंगे, आपका लाइफ जॉयफुल हो जाएगा, सारी इनसिक्योरिटी सारी डेविल, यहाँ पर आपके लिए शायद डेविल कार्ड भी आया है, यस यहाँ पर कहीं, यस ये रहा सी डेविल कार्ड। आपका जो डेविलिश एनर्जी है ना, जो नेगेटिव एनर्जी, शायद या तो वो आपकी बैड कार्मिक एनर्जी है, या फिर आपके साथ जुड़े हुए दूसरे लोग नेगेटिव लोगों की एनर्जी, आपके बैड कर्मा की एनर्जी, या फिर कोई दूसरे बैड बाहरी शक्तियां जो आपके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने आपके हार्ट में एक फियर या डर बिठाया हुआ है, वो इनसिक्योरिटी वो बैड एनर्जी आपको छोड़ के चली जाएगी और उसकी बजाय आपके मन में पूरी तरह से जॉय होगा, खुशी होगी। और वो जॉय और खुशी की एनर्जी जब आप यूनिवर्स में फैलाओगे तो बदले में बहुत सारा ट्रेजर, बहुत सारा धन, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा अवसर, बहुत सारी सफलताएं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसा आपके लिए मुझे फील होता है। एंड उसके बाद मैंने पूछा है कि आप इस ब्लेसिंग को कैसे पा सकते हो, हाउ कैन यू अचीव यू कैन बी एलिजिबल हाउ कैन यू अचीव द एलिजिबिलिटी टू अचीव दीज ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए डेविल कार्ड आया, आई एम फ्री ऑफ वॉट एवर इज होल्डिंग मी बैक। आपको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा, कि आपको अपने थॉट पैटर्न पर काम करना होगा कि वो कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप स्टक हो इस अभी अभी की रियलिटी में, या क्यों आपका एनर्जी सिस्टम ब्लॉक है। यस डेफिनेटली माउंटेन, आपके ब्लॉकेजेस पर हीलिंग, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट में, आपके आगे बढ़ने में आप ही के कौन से वो नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके अंदर की वो कौन सी वीकनेसेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अपने ब्लॉकेजेस की हीलिंग आपको करनी होगी। आपके इंटरनल ब्लॉकेजेस की अगर आप हीलिंग करोगे, द फिश कार्ड है हमारे पास में, एंड विच इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड। वाओ, जब आप अपने ब्लॉकेजेस की कंप्लीट हीलिंग करोगे एंड उसके बाद आप किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आओगे, किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है इमोशनल बैलेंस पाना एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है फिजिकल बैलेंस पाना। तो जब आप मेंटल और फिजिकल बैलेंस पाओगे, जब आप और कब पाओगे, जब आप अपनी शेडो साइड पर काम करोगे, जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, जब आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करोगे, जब आप इस तरीके से अपने एनर्जी सिस्टम पर वर्क करना शुरू करोगे, तो जब एक बार आप वर्क करना शुरू कर दोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको हायर वाइब्रेशनल बींग्स की तरफ से, थॉट हाई प्रीस्टेस की तरफ से, या फिर जो हायर असेंडेड जो बींग्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके चक्रास को हील करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो भी गुड डीड, जो भी अहिंसात्मक या कंपैशनेट दया का काम आपने किया है, उन दयालु आपके जो अच्छे पुण्य कर्म है, उनकी एनर्जीज रिटर्न बैक होने लगेगी, आपके पुण्य कर्मा की एनर्जी रिटर्न बैक होने लगेगी, और वो सभी मिलकर आपके कंप्लीट एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करेंगे, आपको एक हायर वाइब्रेशनल बींग में कन्वर्ट करेंगे, और जिसकी रिजल्ट के तौर पर आप एक बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड मैंने आपके लिए फ्यूचर कार्ड भी निकाला है, हाउ योर फ्यूचर विल बी अफेक्टेड बाय दिस ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए कार्ड आया एस ऑफ एरियल कार्ड, आपका फ्यूचर कैसे इफेक्ट होगा, इट्स योर लकी डे, आप एक लकी पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लोग ऐसा कहेंगे कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये जो चाहे वैसा पा लेती, ये जो चाहे वैसा इसके साथ होने लगता है, इसके पास सब कुछ खुशहाली है, ये कितनी खुश नज़र आती है, ये कितनी एनर्जेटिक नज़र आते हैं, ये कितने ब्लेस्ड नजर आते हैं, ये कितने मनी फाइनेंशियली सिक्योर नजर आते हैं, ये कितना जिंदगी को एंजॉय करते हैं। इस तरह का आपका जो बैड लक था वो आपके गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जो इनसिक्योरिटी की एनर्जी थी वो सिक्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी टाइम और सपोर्ट, आपकी जिंदगी में हर तरह का मैनिफेस्टेशन होने लगेगा, मनी आपको बहुत अच्छे मनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अपने समय को जैसे चाहें फ्रीली बिता सकेंगे, और दुनिया में आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारा डिवाइन
डिवाइन सपोर्ट, आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन, और आप जैसा चाहेंगे अपने करियर में वैसा चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, डेफिनेटली मिल सकती हैं। आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव जो लेना है, अपनी डेविल साइड पर काम करना है, अपनी शेडो साइड पर काम करना शुरू करना है, और अपने इमोशनल और फिजिकल बैलेंस को बनाने का काम करना शुरू करना है। जैसे ही आपकी एनर्जी मोमेंटम गेन करेगी, वैसे ही आपको हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स प्राप्त होने लग जाएंगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं, या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं, तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल
तू पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आ